हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई रेसिपी लेके। आज मैंने पितरों की थाली बनाई है जो हम पितृ पक्ष में अपने परिवार के लिए चढ़ाते हैं। हमारे पितृजन हमारे लिए अच्छा ही सोचते थे, उनका आशीर्वाद हमें और हमारे बच्चों को लगे, इसके लिए हम ये पितृ पक्ष की पूजा करते हैं। आप भी इस तरीके से पितृ पक्ष की थाली बनाएं और अपने पितरों को चढ़ाएं। अब मैं सोन हलवा बनाने जा रही हूँ। ये काफ़ी सौंधा सौंधा टेस्ट देता है। ये रेसिपी का कुछ खास है, आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं पैन में घी गरम कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच आटा डाल दिया है गेहूँ का, और मैं इसे अच्छे से धीमे धीमे भून लूँगी। मैंने चारकोल को जलाकर अपने पैन में रख दिया है और इस पर घी डालकर थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि इसमें से धुआं निकल सके। वो धुआं हमारे हलवे में सौंधापन डाल देता है, जिसे हमें 5 मिनट तक ढाके रखना है। आप देख सकते हैं कि मेरे हलवे का कलर थोड़ा डार्क हो गया है, जिसकी वजह से ये हलवा काफ़ी टेस्टी लगता है। अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी, थोड़ा शक्कर डाल दूँगी और उसे अच्छे से पका लूँगी जब तक कि वो गाढ़ा नहीं हो जाता। ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सिंपल से कम चीज़ों से काफ़ी अच्छी रेसिपी बन जाती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं बखीर बनाऊंगी। बखीर वो होता है जो खीर को हम काढ़ काढ़ के पकाते हैं और गाढ़ा होता है वो। सबसे पहले मैं चावल के दानों को अच्छे से भून लूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच गेहूं का आटा डालकर भून लूंगी 2 मिनट तक। फिर मैं इसमें देसी घी ऐड करूंगी और उसे 1 मिनट और भून लूंगी। हमारे यहाँ बखीर को इसी तरीके से बनाते हैं और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। आटे के महक से इसमें एक सौंधापन आ जाता है जो खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। आप देख सकते हैं कि आटे की वजह से इसका कलर सुनहरा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा पानी डाल दूंगी। पानी की वजह से चावल के दाने काफ़ी आसानी से और जल्दी पक जाते हैं। दूध को पहले ही ऐड करने से बखीर बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे चावल के दाने पक चुके हैं। अब मैं दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा उसमें स्वाद के हिसाब से शक्कर डाल दूंगी और उसे थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पर पकने दूंगी। अब मैंने इसके अंदर काजू का पाउडर ऐड कर दिया है और मैं इसे मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी बखीर कितनी गाढ़ी हो गई है और ये खाने में काफ़ी लाजवाब लगती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं पूरी बनाऊंगी। हमें दाल पूरी का आटा तैयार करना है, तो मैं आटे के अंदर नमक डालकर थोड़ा मीडियम नरम ही सान लूँगी। हमें इसमें दाल का मसाला भरना है, इसलिए हमें इसे नरम ही सानना होता है। यहाँ पर मैं दाल का मसाला तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने तेल में जीरे का तड़का दिया था, अब मैंने उसमें भिगोए हुए चने दाल को डाल दिया है। अब मैं इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा हल्दी और नमक डाल दूँगी। आप चाहे तो लाल मिर्च का भी तड़का दे सकते हैं, पर हमें इसे दान देना होता है इसलिए मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती। अब मैं इसमें पानी डालकर इसे 10 मिनट तक ढक कर पका लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए और चने का दाल थोड़ा नरम हो जाए। फिर उसे हमें पाउडर की तरह पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला कितना टेस्टी दिख रहा है। अब मैं आटे की लोइयां बनाकर इसके अंदर दाल का मसाला भर दूँगी और उसे अच्छे से बंद करके उसके पूड़ी की तरह उसकी लोइयां बना लूँगी। मैं इसे बेलती नहीं हूँ, हम इसे हाथ से ही करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारी लोइयां बना ली है। अब मैं इसका पूरी तल लूँगी।
इसकी पूड़ी काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी फूगी फूगी बनती है और ये काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप इसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये लंबे सफ़र में लेके जाने के लिए काफ़ी सही चीज नाश्ता है, आप भी ज़रूर इसे बनाएं, ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है जिसमें मैं 12 बनाऊंगी। 12 मूंग दाल के वड़ियाँ होती हैं जिसे हम मेंदू वड़े की तरह बनाते हैं। मूंग दाल के पेस्ट में मैंने जीरा नमक डालकर अच्छे से फेंट लिया था 10 मिनट तक। अब मैं इसे मेंदू वड़े की तरह सेक लूंगी। हमारे यहाँ इसे 12 कहते हैं और हम चित्रों की थाली में इसे देते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, कहीं कहीं पर यह उड़द की दाल से भी बनता है। इसे आप किसी भी दाल से बनाएं, ये काफ़ी टेस्टी बनता है और काफ़ी स्वादिष्ट होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं कि मेरे 12 कितने अच्छे से बन चुके हैं और कितने फूगे फूगे बने हैं। इसे 10 मिनट तक अच्छे से फेंटने से ये काफ़ी फ्लफी और काफ़ी हल्का हो जाता है। मैंने इसे तलकर निकाल लिया है। अब मैं चने की सब्जी की तैयारी करूंगी। यहाँ पर मैं चने की सब्जी बना रही हूँ। कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने उसमें जीरे का तड़का दिया है। मैं इसमें अब कड़ी पत्ते और लाल मिर्च को डाल दूंगी ताकि एक अच्छी सी महक आए। ये तड़के में मैं अब टमाटर और हरे धनिए का पेस्ट मिक्स करके डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें मसाले पाउडर किया है। अब मैं इसे 10 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। जब मसाले अच्छे से भून जाए तब मैं इसमें थोड़े सूखे मसाले डालूंगी। मैंने इसमें 1 चम्मच मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसे अच्छे से भून लिया है। मेरे मसाले भून जाने पर मैं इसके अंदर चने और पानी को ऐड कर लूँगी। मेरे चने भिगोए हुए थे, पानी के साथ मैं इसे स्लो आंच पर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और ग्रेवी मेरी गाढ़ी हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप भी पितृपक्ष में ये थाली बनाकर अपने पितरों को दान दे सकते हैं। पितृपक्ष में दान देना अच्छा होता है, ये हमारे परिवार के लिए ही अच्छा होता है। आप भी ज़रूर ये काम करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट दें। ये काफ़ी आसान रेसिपी है। दूसरी रेसिपी देखने के लिए कल मिलते हैं। शुक्रिया।